हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं ऑफिस से जस्ट निकल रहा हूँ। जैसे ही NH8 पे आया हूँ, एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ दिखाता हूँ वेदर का। एकदम से आंधी तूफान इतना ज़बरदस्त आ गया है, बहुत ज़्यादा डस्ट भरा तूफान, आंधी तूफान सा आ गया है। इस वक्त मैं NH8 पे हूँ, शाम के 7 बजने वाला है और एकदम से आप देख पा रहे होंगे चारों तरफ जो होता है ना धूल भरा आंधी तूफान आ गया है। तो बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा लग रहा है बारिश भी होगा। एक्चुअली पिछले कई दिनों से यहाँ पे गुड़गांव की टेम्परेचर 44-45 तक गया है और कल से थोड़ा टेम्परेचर डाउन हुआ। आज भी आई थिंक अभी इस टाइम 38 डिग्री टेम्परेचर है। अब एकदम से देख रहा हूँ 36 डिग्री टेम्परेचर है, काफ़ी कम हुआ है। तो अभी एकदम से आंधी तूफान आ गया, पीछे तो बिल्कुल ठीक था। अभी इस वक्त मैं सिग्नेचर टावर के आसपास में ही हूँ, आप जैसे देख पा रहे हैं। बारिश हो जाए ना और मज़ा आ जाए, मैं तो चाहता हूँ ज़बरदस्त बारिश हो। ये धूल भरा आंधी तो सही नहीं लग रहा है, थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। बट फ्रेंड्स, क्या गर्मी में भी एक अलग ही मज़ा आया। देखिए मेरे हिसाब से मतलब हर सीज़न को एंजॉय करना चाहिए। जैसे रेनी सीज़न में आप बारिश में भीगो, घूमो फिरो और क्या, सर्दियों में तो बातें कुछ और होता है। सेम थिंग गर्मियों में भी कुछ ऐसे ही होना चाहिए। क्या चीज़ आता है गर्मी में, क्या अच्छा लगता है, आप ये ढूंढो भाई। ठंडा पीना, ठंडा खाना बहुत ही अच्छा लगता है। भी चालू हो गया है, ट्रैफिक तो है ही है इस पे। जब तक द्वारका एक्सप्रेसवे बन के रेडी ना हो जाए तब तक इसके ऊपर तो भाई ऐसे ही ट्रैफिक तो रहेगा। आप लोगों को पता ही होगा द्वारका एक्सप्रेसवे अभी बहुत जल्द चालू होने वाला है, ऑलमोस्ट बन गया है। इसी के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, आपको इसके बाद उसको देखने को मिलेगा, मैं उसको शेयर करूंगा। बहुत ही शानदार एक्सप्रेसवे बनाया है और मोस्ट प्रोबेबली अगला 1-2 महीने के अंदर उसको चालू कर देगा। अभी ऑलरेडी चालू है बट पार्ट वाइज उसको अभी ऑपरेशनल किया गया है। जबरदस्त हवा चल रहा है अभी। मैं अभी एक किनारे पे जस्ट राजीव चौक के आसपास में खड़ा हूँ, खड़ा होकर ही आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अभी हो सकता है आवाज़ मेरा उतना ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा है बिकॉज बहुत ज़बरदस्त हवा चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे। मज़ा आ रहा है लेकिन चलते चलते ऐसे ही वॉक करने में बहुत अच्छा लग रहा है।
ओके फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो यहीं खत्म करता हूँ। एक और नई जगह और एक नई वीडियो के साथ फिर से आप लोगों के साथ जल्दी मुलाकात होगी। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।